इन्हें क्या खूब कहा है, लक्ष्मी जी आपसे एक ही प्रार्थना है, लक्ष्मी जी आपसे एक ही प्रार्थना है, धन बरसे या ना बरसे लेकिन कोई रोटी के लिए ना तरसे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको नए YouTube चैनल। दोस्तों धनतेरस का त्यौहार आने वाला है और इस दिन के लिए लोगों ने खरीदारी की पूरी लिस्ट तैयार कर रखी होगी। धनतेरस पर सोने चांदी की चीजें, बर्तन, झाड़ू और धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन कुछ चीजों खरीदारी अशुभ का प्रतीक भी समझी जाती है। आइए जानते हैं मंगलवार 2 नवंबर को आ रहे धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों नंबर 1, स्टील से बनी चीजें। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन खरीद कर ले आते हैं जबकि इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी ज्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं को ही खरीदना चाहिए। मानव निर्मित धातु में से केवल पीतल खरीदा जा सकता है। दोस्तों नंबर 2, एल्यूमिनियम का सामान। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान भी खरीद लेते हैं। इस धातु पर राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। त्योहारों पर एल्यूमिनियम की कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 3, लोहे की वस्तुएं। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी चीजों को धनतेरस पर भूलकर भी खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से त्योहार पर धन कुबेर की कृपा नहीं होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे देखने को मिल सके। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।